सो हाई गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज की, तो ये जो स्मार्टफोन्स आपको बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं और सैमसंग की तरफ से एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, तो इसकी जो लीक्स है वो काफ़ी कंफर्म हो चुकी है कि क्या यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी और क्या आपको इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी। तो अब तक की क्या इसकी स्मार्टफोन की लीक्स निकल कर आई है वो टोटली मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी अगर आप प्लान करें S23 सीरीज को किसी भी स्मार्टफोन को बाय करने का। सो सबसे पहले इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो वो है इस स्मार्टफोन्स के कैमरा के बारे में। यहाँ पर आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा अल्ट्रा सीरीज में, जिसमें हमें 150 तक एक्स तक का जूम देखने को मिल सकता है, बट वो कंफर्म नहीं है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं। बट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 100x तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, जिसकी आपको क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट कैमरे में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी सैमसंग गैलेक्सी S23 और S23 Plus में, आपको देखने को मिलेगा 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और वहीं पर अगर बात करें अल्ट्रा सीरीज में तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा 40 मेगापिक्सल का, जिसके आपको पिक्सल्स बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। और एक और नई लीक्स निकल कर आ रही है कि यहां पर आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी फ्रंट कैमरे में इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में, जो कि अगर कैमरा क्वालिटी की अगर हम बात करें बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट्स हमें इस बार S23 लाइनअप सीरीज में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट की अगर बात करें तो वो है स्मार्टफोन का प्रोसेसर या फिर चिपसेट। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन की तरह से आने वाला Snapdragon 8 Gen 2, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा और एक लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसकी जो परफॉर्मेंस आपको जो है 30 से लेकर 40% अप देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल से, जो कि स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस वाइज एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाता है। और यहाँ पर आपको एक्सिनोस मॉडल इस बार नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको स्नैपड्रैगन मॉडल ही देखने को मिल जाएगा। सो नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपको जो है अंडर डिस्प्ले कैमरा इस बार नहीं देखने को मिलेगा। काफी सारे रूमर्स आ रहे थे कि यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल सकता है S23 सीरीज में, बट यहाँ पर आपको जो है ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि इस बार आपको जो है अंडर डिस्प्ले कैमरा नहीं देखने को मिलेगा। शायद आपको 2024 में या फिर 2025 में जब S25 एक्सिनोस मॉडल के साथ आएगा तब शायद सैमसंग इस बार अंडर डिस्प्ले कैमरा ले आए, बट अब जो है S23 सीरीज में आपको डेफिनेटली अंडर डिस्प्ले कैमरा नहीं देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट और लास्ट लीक की अगर हम बात करें वो है स्मार्टफोन की स्टोरेज वेरिएंट के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपको जो है बेसिक वेरिएंट देखने को मिल सकता है 256 GB, यानी कि इस बार आपको 128 GB जो इसका वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा वो कट ऑफ होकर, तो यहाँ पर बेसिक वेरिएंट आपको 256 GB देखने को मिल सकता है, बट वो सिर्फ आपको अल्ट्रा सीरीज में ही देखने को मिल सकता है, बट वो भी 100% कंफर्म नहीं है। यहाँ पर आपको नॉर्मल सीरीज में S23 और S23 Plus में आपको 128 GB वेरिएंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये इसकी कुछ अब तक की लीक्स जो कि हमें सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज की देखने को मिल जाती है, और इसकी और भी नई लीक्स निकल कर आएगी तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर और बस चैट जरूर करना ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो मिलते अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड।